अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमरियान हूँ, मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको ऐसा हर्बल शैम्पू बता रही हूँ जो आप याद करेंगे और दुआएं देंगे जब बनाएंगे। इससे आपके दोबारा से बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बाल ग्रे नहीं हैं, वाइट नहीं हैं, तो ब्लैक नहीं होंगे। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरी नानी अम्मा माशाल्लाह 75 से ऊपर उनकी डेथ हुई थी, वो ये शैम्पू यूज़ करती थी और ब्लैक ऑयल एक होता है वो यूज़ करती थी। वो भी मैं आपको तरीका बता दूँगी। इसमें हमने क्या लेना है, हमने रीठे लेने हैं। तरीका आपने देखना है कि किस तरह से यूज़ करना है, तरीका यूनिक है, ठीक है। रीठे लेने हैं आपने, मैं ये साथ साथ लिख भी रही हूँ, जिनको पता नहीं चलता वो बाद में मंगवा लीजिएगा। ये सीका काई है, इस तरह से होती है लंबी, इसके अंदर बीज होते हैं, बीज आपने नहीं निकालने, आपने सीका काई ले लेनी है, इक्वल क्वान्टिटी में आपने लेनी है, ठीक है। और ये आपने आंवला लेने है, सूखा हुआ आंवला लेना है, ठीक है। इसके अंदर भी गुठलियाँ होती हैं, वो आपने नहीं निकालनी, ठीक है। ये आपने तीनों चीज़ें ले ली हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है जनाब, ये देखें, इनको मैंने साथ लिख दिया, आप देख लीजिएगा। ये आपके दिमाग को भी तेज़ करेगा और आपकी याददाश्त को भी तेज़ करेगा। ये देखें, आपने कलौंजी लेनी है, इतने के लिए आपको सिर्फ आधा चम्मच चाहिए, आधा चम्मच छोटे वाला। और ये देखें, ये बरहमी बूटी है, ठीक है। बरहमी बूटी है, आपके सेल्स को एक्टिवेट करेगी, ऑक्सीजन सप्लाई करेगी आपके बालों को, आपके वेसल्स को मजबूत करेगी। बरहमी बूटी की हर्बल दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये आपने थोड़ी सी डालनी है, और इसके अंदर आपने एक और बूटी डालनी है जिसको हम लोग कहते हैं मंडी बूटी कहते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने ये तीनों चीज़ें आंवले रीठा सीका की इक्वल क्वांटिटी में ले के आपने सीका काई का क्या करना है, अंदर से बीज निकाल लेना है। बीज को आपके कितने किस तरह से निकालना है वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये मेरी हेल्पर निकाल रही थी, इसको ऊपर रखती थी और इसके अंदर से ये गोल जो था वो निकाल देती थी, ठीक है। आप इसका पाउडर भी बना सकते हो, तीनों चीज़ों का पाउडर बना के रख। हाँ जी, 5th बैच स्टार्ट हो रहा है ब्यूटिशियन का, 7th के बाद क्लासेस हैं उसकी, 7th अक्टूबर के बाद। जिसने भी एडमिशन लेना है, चार्जेस के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उधर आप रब्ता कर लें, मेरी हेल्पर आपको जवाब दे देंगी। और कंप्लीट ब्यूटिशियन बेसिक कोर्स होगा, इसके बाद आप स्मॉल पोलर घर में आराम से खोल सकते हैं। थैंक यू जी। और रात को भिगो दो, दो चम्मच, और उसके बाद आप उसको सुबह को शैम्पू बना के इस्तेमाल कर लो। और ये कलौंजी और मेथरे का बीज भी साथ आप ग्राइंड कर लो, अंदर डाल लो, ठीक है। और ये मंडी बूटी और ये जो है, इनको आपने नहीं कूटना, आपने इसको ऐसे ही रखना है। इन सारी चीज़ों को लेके ये आप देख लें, ये है बरहमी बूटी, ठीक है। बरहमी बूटी का एक पत्ता ही इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये देखें, 104 साल के एक बूढ़े थे, वो ये खाते थे। ये मैं आपको दोबारा वो तरीका बताऊंगी कैसे खाते थे, तो उनमें इतनी ताकत थी। अच्छा, ये अब आप देख लें, ये कढ़ाई आपने ना लोहे की लेनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें, ये इसके अंदर बनती रहती है ये हर्बल शैम्पू, तो इसका कलर इसलिए ऐसा हुआ हुआ है, ठीक है। लोहे की आपने लेनी है, इतनी ही बनानी है, क्योंकि अब ये देखें, आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा, ऊपर जो लगी हुई है निशान पड़ा हुआ है, ये इतनी ही क्वांटिटी बनती है, 15 दिन के लिए काफ़ी होती है। और हम लोग इसको रख देते हैं फ्रिज में और इस्तेमाल कर बालों को, हम लोग इसे वॉश करते हैं, पैक भी इस्तेमाल करते हैं, एज ए टोनर भी इस्तेमाल करते हैं, और शैम्पू के तौर पे भी। ये 1 किलो का बर्तन है, मैंने 2 किलो इसके अंदर पानी डाल दिया, और इसको मैं सारी रात के लिए डिप कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसके अंदर अलसी के बीज डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आपने ज़्यादा नहीं करनी। उन तीनों चीज़ों की, आंवले रीठा सीका के आपने बराबर रखनी है, और आधा आधा चम्मच आपने कलौंजी का, आधा चम्मच मेथरे के बीज का, अगर अलसी है तो आधा चम्मच अलसी का डाल के आपने भिगो देना है सारी रात के लिए। और अगले दिन आपने इसको चूल्हे पे ठहरा देना है, और हल्की आंच पे ठहरा देना है, ठीक है। जब हल्की आंच पे ठहराओगे वो ठहर जाएगा, वो तकरीबन आधा खुश्क हो जाएगा, किलो पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा। ये देखें, सारी रात भीगने के बाद इसकी ये शक्ल हो गई है, और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे। लो फ्लेम के ऊपर पकाने से जितनी भी इसके बेनिफिट्स हैं पानी के अंदर आ जाएंगे, और आप देखिएगा इसको फिर हम लोग मसल मसल के पानी की बॉटल बना के रखेंगे, जिससे हम लोग सर धोएंगे, उसको एज ए टोनर इस्तेमाल करेंगे, फेस पैक किस तरह इस्तेमाल करेंगे, फेस पैक नहीं, सॉरी फिर मैं भूल जाती हूँ, हेयर पैक। ये देखें, हम लोगों ने इसका पानी खुश कर करके ना 1 किलो से भी कम रख लिया है, ठीक है। ये देखें, ये हमें 15 दिन के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है शैम्पू की, तो आप लोग हफ्ते में एक दफ़ा शैम्पू दूसरी भी कर सकते हो, जो आप बेबी शैम्पू होती है, बाकी आप इसको यूज़ करो। इसके अंदर देखें झाग भी होती है, जब तेल लगवाओ, ठीक है, तेल इससे मुश्किल निकलता है, तो तेल के टाइम पर आप लोग वो यूज़ कर लिया करो, वो वाली शैम्पू, अदरवाइज़ आप ये वाली शैम्पू यूज़ करो, आपको झाग भी बनेगी और बाल भी आराम से धुलेंगे। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है, इसके अंदर ना आपने ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हाथों को ब्लैक कर देगी आपके, जिनके ग्रे हेयर्स हैं वो दोबारा से वाइट होने शुरू हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि इससे आपकी जो आंवले रीठा सीका का, ये आपको पता है, ये बालों को बहुत
बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, सॉफ्ट करता है, शाइन देता है, और बालों में ये जो जुएँ होती हैं ना, ये आंवला उनको मार देता है। बालों को नरिश करते हैं ये तीनों चीज़ें, और बालों का झड़ना बंद कर देते हैं, और कुदरती तौर पर ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें भरमी बूटी और ये गुल मंडी बूटी भी बोलते हैं, पंसारी से मिलेगी, या मंडी बूटी भी बोलते हैं, ये आपको पंसारी से आराम से मिल जाएगी, आप ले सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये दो चीज़ें आपके ना बालों को ताकत देंगी, आपकी बालों पे में ऑक्सीजन पहुंचाएंगी, वेसल्स को नरिश करेंगी, जो दिमाग की रगें आपकी थक जाती हैं काम कर करके, लैपटॉप और ये मोबाइल देख देख के, तो उसको ये ज़बरदस्त कर देंगे, दोबारा से रिफ़्रेश कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, आप मेंटली फ्रेश रहोगे। जब आप ये शैम्पू करोगे ना, आपको पता चलेगा कि एक तो आप ये वाली आमले रीठा सीका का वाली शैम्पू आम बनती है, लेकिन जब इसके अंदर आप ये डालोगे ना मंडी बूटी, भरमी बूटी, ये इसका कम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कि आपके दिमाग को तवानाई देता है, आपका दिमाग नहीं थकता। जो लोग काम करते हैं या बच्चे हैं, उनको अभी से आदत डालें। ये देखें, इसमें झाग बनी हुई है, ये वाली चीज़ जो है ना, आपने ये वेस्ट कर देनी है, ये हमारे किसी काम की नहीं। ये देखिए, ये दो बॉटल्स बन गई हैं, एक मैंने रखी है कंडीशनर के तौर पे, कि जो बालों में टोनर लगाएंगे वो तरीका मैं आपको बताती हूँ, और ये शैम्पू के तौर पे आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, 15 दिन इस्तेमाल हो सकती है, आप इसको आराम से फ्रिज में रखें और इसको आराम से यूज़ करें। अच्छा, आप इन आंवला रीठा सीका कई का आराम से आप पाउडर बना के रख सकते हो, रात को आप इसको 2 चम्मच भिगो दो। भरमी बूटी और मंडी बूटी आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी लेके साथ डाल देनी है, कोई मसला नहीं है। और ये नहीं है उसका पाउडर बेशक आप ना बनाएं, फिर आपने इसको वॉश कर लेना है, आपके बाल शाइनी, हेल्दी और ब्लैक हो जाएंगे। और इन दो बूटियों की कम्बिनेशन से, क्योंकि ये बहुत अरसे से चला आ रहा है हमारी फैमिली में, तो इससे बाल ग्रे नहीं होते बिल्कुल। मेरी अम्मी के भी माशाल्लाह अभी तक ग्रे नहीं है, मेरे भी नहीं है, मेरी बहनों के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था, वो एक काला तेल यूज़ करते हैं और एक ये यूज़ करते हैं, और मिट्टी से भी सर्द होते हैं। आप बताइएगा, मिट्टी का तरीका बताऊँगी। ये देखिए, इस तरह की बोतल लेके आपने उसको जड़ों में एज ए कंडीशनर लगाना है, और उसके बाद सर धो लेना है। अगर आप लोग नहीं लगा सकते, नहीं धो सकते सर, तो इसका भी वही ही असर होगा। इस तरह का पेस्ट गाढ़ा गाढ़ा आपने बना लेना है और आपने इसको लगा लेना है। ये देखें, ये जब आप करते हो ना सारी चीज़ें निकालते हो, तो गाढ़ा पेस्ट बनता है। ये आपने बालों की जड़ों में लगा लेना है, और फिर जड़ों में लगाने के बाद आपने फिर बाद में इसको 2 घंटे के बाद वॉश कर देना है। इससे भी बाल आपके मजबूत हो जाएंगे। बच्चों को भी ऐसे ही लगाइएगा। अच्छा जी, आप इसका हेयर पैक भी बना के रख सकते हो। इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड करके रख देना है, रात को 2 चम्मच आपने भिगो देने हैं, सुबह को आपने या तो जैसे बालों के ऊपर आप लोग तेल लगाते हो वैसे आपने जड़ों में लगाना है और नीचे तक लगाना है, 2 घंटे लगा रहने देना है, और फिर आपने वॉश कर लेना है। एक ये तरीका है, या फिर आप बना के रख लो इसको, जब आप नहाने लगते हो उस वक्त आप इसे सर धो लो। अगर आप सर नहीं धो सकते हो, बहुत ज़्यादा सुस्ती है, तो आप इसको फेस हेयर्स पे लगा लो स्प्रे करके, या हाथों से ग्लव्स ज़रूर पहनिएगा, और 2 घंटे के लिए छोड़ दो और फिर जाके नहा लो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। आप ये देखें, इससे ये होगा कि आप अगर अपनी बच्चियों को अभी से आदत डालेंगे, और शादी के बाद अगर वो हफ्ते में एक दफ़ा भी ये चीज़ कर लिया करेंगे, तो उनके ग्रे हेयर्स नहीं होंगे बिल्कुल भी। मेरी बहनें भी शादी से पहले करती थी, मिट्टी से सर धोती थी, उसमें एक दो तो चीज़ें मिलाती थी, ब्लैक ऑयल लगाती थी, इससे सर धोती थी, तो माशाल्लाह अब तक वो नानियाँ दादियाँ बन गई हैं, उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी के भी नहीं हुए। अब वो रूटीन अब उस तरह फॉलो नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी हो गए, सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा कर लेती हैं, वो स्प्रे कर लेती हैं सर के ऊपर, या इससे सर धो लेती हैं, एक दफ़ा ऑयल लगा लेती हैं, तो उनका ये ग्रे हेयर प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए आप लोग अभी से अपनी बच्चियों को आदत डालें, और जिनके ग्रे हेयर्स हो भी गए हैं वो इस रूटीन को फॉलो करें। इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर मेरी गारंटी है, या आप तेल लगाओ, ये लगाओ और मिट्टी से सर धो, आपके बाल दोबारा से ब्लैक हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।